अभी तक हम सब यही जानते थे कि टी शर्ट कपड़े से बनाई जाती है, लेकिन हाल ही में सामने आया है कि अब प्लास्टिक की बोतलों से टी शर्ट बनाई जाएगी। दरअसल रेलवे स्टेशनों और ट्रेन के डिब्बों में खाली पड़ी प्लास्टिक की बोतलों से टी शर्ट और टोपी बना रहा है। इसके लिए रेलवे ने बोतलों को जमा करने का एक अनोखा रास्ता भी खोज निकाला है। बता दें, प्लास्टिक की बोतल जमा करने वाले को प्रति बोतल के लिए 5 रुपए दिए जाएंगे। इस कदम से पर्यावरण को बचाने में काफी मदद मिलेगी। इस पहल के तहत पूर्व रेलवे के 4 स्टेशन पटना जंक्शन, राजेंद्र नगर, पटना साहिब और दानापुर स्टेशन पर रिवर्स वेंडिंग मशीन लगाई गई हैं, जिसमें पानी की प्लास्टिक की बोतलों को क्रश कर टी शर्ट और कैप बनाई जा रही है। पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार ने कहा कि रेलवे स्टेशनों पर बेकार पड़ी खाली पानी की प्लास्टिक बोतलों से पूर्व मध्य रेलवे अब टी शर्ट बना रहा है। रेलवे स्टेशनों पर लगे बोतल क्रशर मशीन के प्लास्टिक का इस्तेमाल टी शर्ट बनाने के लिए होगा। उन्होंने कहा कि ये टी शर्ट सभी मौसम में पहनने लायक होगी। टी शर्ट बनाने के लिए रेलवे का मुंबई की एक कंपनी से एग्रीमेंट हुआ है। जल्द ही इन प्लास्टिक की बोतलों से बनी टी शर्ट बाजार में उपलब्ध होगी। उन्होंने कहा कि हाल ही में रांची में ऐसी टी शर्ट्स की प्रदर्शनी लगाई गई थी, जिसे लोगों ने खूब पसंद किया। उन्होंने बताया कि इससे स्टेशन और पटरियों पर छोड़े गए प्लास्टिक कचरे और प्रदूषण से रेलवे को छुटकारा मिलेगा। उन्होंने कहा कि अब यात्रियों को खाली बोतल के लिए 5 रुपए मिलेंगे। ये 5 रुपए उन्हें वाउचर के रूप में रेलवे की एजेंसी बायोक्रैश की ओर से मिलेंगे। इस पैसे का इस्तेमाल चुनिंदा दुकानों और मॉल में सामान खरीदने के लिए किया जा सकेगा। रेलवे के एक अधिकारी ने बताया कि बोतलों को क्रश कर इसका लिक्विड बनाया जाता है, उसके बाद टी शर्ट टोपी बनाई जाती है, इससे पेंट भी बना सकते हैं।